हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं, आपको बताने चल रहे हैं, चंद्रयान 3 जैसे भारत ने लॉन्च किया था, वैसे आपके रसिया ने भी लूना 25 लॉन्च किया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से। आप लोगों के मन में होगा, क्या आपका चंद्रयान 3 जो भारत द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या रसिया द्वारा जो लूना 25 लॉन्च किया गया, क्या दो आपस में टक्कर तो नहीं होंगे? आइए इसके बारे में चीजों को समझते हैं, चंद्रयान 3 के और लूना 25 के बारे में। अभी हाल ही में रसिया ने लूना 25 लॉन्च किया है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं प्रश्न आपसे और बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, रूस ने रसिया ने 47 साल बाद चांद पर मिशन भेजा, ऐसा मिशन का नाम क्या है? रसिया ने अभी हाल ही में कितने साल बाद, 47 साल बाद चांद पर मिशन भेजा है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए रसिया ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन लूना 25 को 10 अगस्त 2023 को अभी हाल ही में क्या किया है, लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इस यान को सोयूज 2.B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है और रसिया की एक कंपनी है अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, उसी ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। यह 5 दिन में चांद तक पहुंचेगा, इसके बाद में 7 से 10 दिन तक चांद के ऑर्बिट में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। इसके साथ साथ यह 21 से 22 अगस्त को चांद की सतह पर उतर जाएगा और मतलब भारत का चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होकर पहले भी उतर सकता है लूना 25 जो आपका लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा। आइए समझते हैं, चंद्रयान 3 चांद के लिए 14 जुलाई को रवाना हुआ था, बिल्कुल आपको पता होगा। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत की जो चंद्रयान 3 है चांद के लिए 14 जुलाई को रवाना हुआ था और 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में क्या हुआ था, पहुंच गया था। और 23 अगस्त की बात करते हैं, 23 अगस्त को साउथ पोल पर उतरने की संभावना है। इसके साथ साथ रूस की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, आपका रॉसकॉस्मोस, और इसका कहना है कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि दोनों में अलग अलग लैंडिंग क्षेत्रों की योजना बनाई गई है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि चंद्रयान 3 और लूना 25 आपस में टक्कर खाएंगे। आइए चंद्रयान 3 जल्दी कैसे पहुंचेगा लूना 25, यानी कि जो चंद्रयान 3 से आपका चंद्रयान 3 जो भारत द्वारा लॉन्च किया गया है इससे जल्दी कैसे पहुंच जाएगा आपका लूना 25, आइए इसके बारे में समझते हैं। पृथ्वी से सीधे चांद तक पहुंचने के लिए काफी ताकतवर रॉकेट और ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ये तो हमारे जितने साथी हैं उनको पता होगा कि ज्यादा ताकतवर होगा तो जल्दी आपकी इसमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत भी पड़ेगी और जल्दी वर्क भी करेगा। रूस का रॉकेट है जिसका नाम है सोयूज 2, इसमें सक्षम है ये, ठीक है ना, इसलिए यह ज्यादा क्या है आपका, खर्चीला भी है। जबकि चंद्रयान 3 एलवीएम 3 लॉन्च होकर पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की मदद से यह क्या करेगा, रास्ता पूरा किया है, इसे क्रायोजेनिक इंजन में चांद तक पहुंचने के लिए धक्का देने का काम किया। जो आपका एलवीएम 3 है ये लॉन्च तो हुआ पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की मदद से, रास्ता ये पूरा भी कर लिया है और इसे क्रायोजेनिक इंजन में चांद तक पहुंचने के लिए धक्का देने का काम भी किया है, बाकी काम गुरुत्वाकर्षण बल ने किया है, उसी के माध्यम से आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया और वहां पर चंद्रमा पर पहुंच गया है। चांद पर लूना 25 क्या करेगा, बिल्कुल रसिया का ये है आपका, जैसे चंद्रयान 3 भारत का है वैसे रसिया का लूना 25 लॉन्च किया गया है, आइए क्या कार्य करेगा इसके बारे में समझते हैं। देखिए लूना 25 यान का प्रक्षेपण 1976 के बाद रूस का पहला चंद्र मिशन है, जब यह सोवियत संघ का हिस्सा था तब ये आपका मिशन किया था चंद्रयान 3 के बारे में और सॉरी लूना 25 के बारे में। इसके साथ साथ रूस के लूना 25 में क्या है, एक लैंडर है, क्या है मेरे साथी, लैंडर है। इसके साथ साथ यह 4 पैरों वाला लैंडर 800 किलोग्राम का है। लूना 25 साफ लैंडिंग की क्या करेगा, ये प्रैक्टिस करेगा या चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका एनालिसिस करने का काम भी करेगा लूना 25। इसके साथ साथ लंबे समय तक चलने वाला ये रिसर्च भी करेगा लूना 25 जो रसिया के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ऐसे ही वीडियो हम आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे आपके अपने चैनल एग्जामपुर बीसीएस पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हम ऐसे ही 5 मिनट का डोज आपको डेली का डेली देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।